हेलो गाइस, जैसे कि दोस्तों आज की हमारी राइड होने वाली है बहुत ही खास। और आज दोस्तों हम एक ऐसी नई जगह जा रहे हैं जो पे आपको लेके चलती हैं। चलिए तो चलते हैं ना। जैसा कि दोस्तों हमारे अभी दोनों साइड देख सकते हैं काफ़ी बेहद हरियाली भरा माहौल है। और बात करें अभी की तो हम अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, काफ़ी हरियाली है और नहीं है तो बस ओनली अभी बारिश, क्योंकि बारिश अभी दो दिन पहले हुई थी और अभी बंद है। और अभी कड़ाके की भी धूप पड़ रही है और इस हम धूप में निकले हैं कहाँ के लिए ये आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने अभी देखा कि एक व्यक्ति रॉन्ग साइड में अपनी बाइक पे लेडीज़ के साथ में कितना स्पीड से जा रहा है और एक जस्ट अभी ये निकला। तो मतलब कि ये सोचने वाली बात है कि लोग हाईवे पे चलते हुए भी रॉन्ग साइड में फुल स्पीड से निकलते और उसके साथ चलो कोई बात नहीं निकलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं तो वो इंडिकेटर जला के रखते हैं, नहीं हेडलाइट जलाते हैं ताकि सामने से आने वाले व्यक्ति को नज़र तो आ सके हाँ रॉन्ग साइड में कोई बंदा आ रहा है, लेकिन ऐसा तो भी नहीं करते लोग, फिर ये दुर्घटना के शिकार होते हैं। दोस्तों प्लीज़ ऐसा ना करें, हाईवे पे चले तो हमेशा अगर आप रॉन्ग साइड में आ रहे हो तो अपना जिस साइड में हो आप उस साइड का इंडिकेटर जला के रखिए और हेडलाइट हमेशा ऑन रखिए ताकि सामने से कोई अगर आता होगा तो उसको जल्दी से आपकी बाइक नज़र आ जाएगी। प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें हाईवे पे चलते वक्त। बाकी कुछ भी हो सकता है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि ऑन हाईवे पे लोग जिस साइड में चलते हैं उसी साइड का ध्यान रखते हैं, बाकी ऐसा नहीं सोचते कि सामने से कोई आ जाएगा, बस इसी चीज़ का ध्यान रखें। जैसा कि दोस्तों ये है कुंडेश्वर महादेव का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से 50 मील की दूरी पर अपन जाएंगे तो आगे एक कट मिलेगा, उसी से अपन को राइट टर्न करना है और राइट टर्न करेंगे तो नीचे से एक रास्ता नीचे उतर रहा है बस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड आज हम आए हुए हैं कुंडेश्वर महादेव टेंपल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 76 नेशनल हाईवे से आपको राइट टर्न करना पड़ेगा और मैंने वैसे वीडियो में उसकी छोटी सी क्लिप भी डाल रखी है तो उससे क्या आइडिया मिल जाएगा आपको। और चलिए हम आगे चलते हैं। दोस्तों हम अभी अंदर आ चुके हैं और जैसा कि देख रहे हो मेरे पीछे बड़े बड़े पेड़ है चारों तरफ और ये भी महादेव पहाड़ी के बीच स्थित है और यहाँ पे आके एक सुकून जैसा आनंद मिलता है। चलिए अपन चलते हैं अंदर। कुंड में विराजमान थे। अच्छा, किसी भक्त ने लड़के विराजमान किए और मंदिर बनाया। अच्छा, फिर उसमें ये कमल पूजा थी। अच्छा, ये वाली पूजा। तो फिर ये मतलब लोगों का चलन कैसे हुआ इसमें, मतलब कैसे लोगों को पता चला कि यहाँ पर आना चाहिए, भगवान जी यहाँ पर विद्यमान है? यहाँ पर पहले तो कोई नहीं आते थे। अच्छा, पहले कोई नहीं आते थे। ये अब रोड बना है 5-4 साल से, अब लोग भगवान, अब लोगों का आवागमन ज़्यादा हुआ है इससे। यहाँ पर मतलब मेला वेला कुछ होता है? बैसाख की पूनम का यहाँ पे मेला लगता है और महाशिवरात्रि का। अच्छा जी, मतलब कुल मिला के पहले जो काम था वहाँ पे इतना मतलब इतना नहीं था, अब ये मंदिर बनाया। कोई नहीं आता था, अकेला पुजारी आता था बस। अच्छा, यहाँ पे पुजारी जी आते, खाली पुजारी से कोई आता था, उनका जनता था शेर सर। ठीक ठीक ठीक, चलो चलो। ये क्या नदी जा रही है? वो गंगा माता का चौथा पाया है।
अच्छा 14 पाया यहाँ से वो इधर की तरफ ये रास्ता है सीधा का सीधा जो हरिद्वार नहीं जा सकते वो अस्थियाँ यहाँ रखे थे। अच्छा अस्थियों का एक अलग जगह है इधर गंगा माता का। हाँ तो ये कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर या ऊपर वाली साइड में मुझे मकान आते हैं। हाँ हाँ बोर्ड लगा हुआ है। हाँ आगे रोड जा रहा है। हाँ थोड़ा ही आगे जाओ आप। अच्छा रोहित दास जी नदी। हाँ ये नदी आएगी। अच्छा ऊपर से ये नदी आएगी। हाँ उसको रंग आगे जाओगे बिल्डिंग ऊपर आएगी। हाँ पहाड़ी के ऊपर बिल्डिंग है 3 मंजिल हरे रंग की। अच्छा उसके आगे सीसी रोड है। सीसी रोड है गिट्टी डाल रही उसके आगे जाना थोड़े मोड़ में जाती है। अच्छा यहाँ से मेन पानी निकल रहा। अच्छा वहाँ से निकल रहा मेन पानी। अच्छा अच्छा सही। और ये जो आगे वापिस ये झरना खत्म हो रहा उसके आगे और कुछ है? और कुछ नहीं है बस ये लास्ट ये यहीं तक। नहीं पानी तो एकदम फतेह सागर में जा रहा है जामुड़िया में। जामुड़िया जानते हो? हाँ जी जी। कहाँ आएगा ये फतेह सागर से आगे है ना? हाँ ये नहीं ये जामुड़िया जो फतेह सागर से पहले से आगे जाते हैं घसियार से। हाँ दरवाजा नहीं वो नीचे रामा रोड जा रहा है। रामा रोड वो जामुड़िया वो पानी यही पानी जा रहा है। अच्छा ये वाला राउंड लेके उधर ये जा रहा है। फतेह सागर में जाता है। ठीक है धन्यवाद पंडित जी। और दोस्तों पंडित जी का कहना है कि जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते अपनी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए वो यहाँ पर भी आके अस्थियाँ विसर्जन कर सकते हैं। तो ये वही गंगा है जो रविदास जी घर के ऊपर से ये निकलती है गंगा नदी के नाम से। तो यहाँ पे आके अस्थियाँ भी विसर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर 4-5 साल पहले बहुत काफ़ी वहाँ कम लोग आते थे क्योंकि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था। तो अब जाके धीरे धीरे पता चलने लगा और लोग यहाँ पे आना शुरू हुआ। और पहले जिस रोड से अपन आए थे वो रोड बिल्कुल कच्ची थी और कच्ची होने के कारण लोगों को इतना मतलब कि मालूम नहीं था कि यहाँ पर महादेव का मंदिर है और लोगों को ज्ञान भी नहीं था तो इसलिए लोग बहुत ही कम आते थे। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया मतलब कि ये सड़क बनाए हुए तो अभी लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं जस्ट इस नीचे की साइड में जहाँ पर झरना वगैरह चलता है। और जो झरना नीचे चलता है वो नदी यहीं से होकर जा रही है गंगा नदी जिसका नाम है। दोस्तों झरने के नज़दीक पहुंच चुके हैं अपन और झरने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है जैसा कि दोस्तों ये अभी हल्की हल्की आवाज़ आती होगी आपको भी। और ये हम झरने के पास पहुंचने वाले हैं और जो मैंने बोला था कि ऊपर से जो गंगा नदी आ रही है वो यहीं से झरना नीचे गिर रहा है। अपन गलत रास्ते से आ गए तो हम वापस जाएंगे इसी रास्ते से और अपन जाएंगे नीचे की साइड में। लोग मतलब कि जहाँ पर जाते हैं वहीं पर कचरा मतलब इतनी अच्छी जगह है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ देखी मैंने जो मैं सबसे स्टडी में पहले देखता आया हूँ। और तो यहाँ पर भी वही चीज़ें लोग आते हैं लेकिन कचरा करके चले जाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि कचरे को कहीं डस्टबिन में या अपने साथ ले जाएं। गलत बात है यार ऐसा मत करो यार। इतनी अच्छी जगह को आप कचरा फैलाओगे तो और दूसरे लोग कैसे आएंगे यहाँ पर देखने के लिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया कहीं पर भी जाए तो ऐसा कचरा मत फैलाओ यार। कई डस्टबिन में डालो अपना कचरा तो अच्छा रहेगा। ये है घर में दोस्तों तो क्या है नॉर्मल भीड़ है यहाँ पर अभी। तो ये ऊपर से जो मैंने बोला था कि जो गंगा नदी आ रही है उसी का झरना है छोटा सा वाटरफॉल लेकिन काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ पे इस पेड़ के यहाँ पे फिसलन वाली मतलब जगह है और ऊपर से झरना था वो काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं इसकी वजह से इस झरने की वजह से फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी। यहाँ पर मिलेगा आपको बरगद के पेड़ और उनकी लताएं काफ़ी बड़ी है यहाँ पे। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं आपके लिए
अलग अलग जगहों की वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।